हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और ये हमारी जावा एडवांस प्रोजेक्ट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एडिट प्रोफाइल मॉड्यूल बनाएंगे। दैट मीन्स हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे कि यूज़र क्या कर पाए, एडिट कर पाए अपनी प्रोफाइल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी तक हमने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है और हम लोग देखते हैं कि इस वाले मॉड्यूल को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड जावा फॉर बैकएंड। ठीक है, तो हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है, टेक ब्लॉक। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर लेते हैं और प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। और अभी तक आपने हमारी सारी वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को रन कर दें। तो सिंपली ये हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट है। हम सिंपली लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन बॉक्स दिखेगा और यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है एक यूज़र और एक यूज़र आईडी से। अगर अभी तक आपने साइनअप नहीं किया तो यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा, उस केस में आपको साइनअप करना पड़ेगा। तो हम जैसे सबमिट करेंगे तो कुछ यहाँ पर देखिए डिटेल गलत हो गया, मैं फिर से क्या करता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो मैंने कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया था, सिंपली मैंने सिर्फ हम लोगों ने अभी ये लॉगआउट कंप्लीट किया था और ये प्रोफाइल मॉड्यूल कंप्लीट किया था जिसमें हम लोग प्रोफाइल को शो कर रहे थे। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए प्रोफाइल सिंपल एक मॉडल ओपन हो रहा है जिसमें आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो है और यहाँ पे उसका यूज़र का नाम है जो यूज़र लॉगिन होगा, फिर उसकी आईडी दिख रही है, फिर उसका ईमेल दिख रहा है, उसका जेंडर दिख रहा है, उसका स्टेटस दिख रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन डेट दिख रहा है। तो सिंपली हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग इस एडिट पे क्लिक करें और फिर आगे क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ पे कुछ ये सारे बॉक्स एडिटेबल हो जाएं जहाँ पे हम एडिट कर पाएँ, हम ईमेल आईडी चेंज कर पाएँ अपनी और फिर हम लोग क्या कर पाएँ, अगर आप स्टेटस चेंज करना चाहते हो तो स्टेटस चेंज कर लो, पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो पासवर्ड चेंज कर लो और फिर सिंपली सेव के बटन आए और सेव आप सेव कर दिए, आपका काम हो जाए। चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ बनाने के लिए, एक एडवांस चीज़ बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट और सिंपल छोटी थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट और थोड़ा सा जेक्वेरी आनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं भी आती है तो जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही फॉलो करिए, एग्जैक्टली आप सीख जाओगे क्या कैसे काम हो रहा है और आपको कैसे कहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, आप सिर्फ फॉलो करिए, आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वैसा ही आप धीरे धीरे करिए, आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं मैं इस पे बटन पे क्लिक करूं और यहाँ पे ये फील्ड्स या फिर जो हम फील्ड चाहते हैं वो एडिटेबल हो जाएं। ये काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली चलते हैं अपने प्रोफाइल पेज पे, क्योंकि ये सारा चीज़ प्रोफाइल पेज पे ही हो रही है। तो सिंपली हम अपने प्रोजेक्ट का प्रोफाइल पेज यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे यहाँ पे। और हमारा जो मॉडल है, देखिए ये प्रोफाइल मॉडल है, इस मॉडल का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें दिख रहा है इसमें वो हमारा इसमें लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है सिंपल, ये जो टेबल थी, ये हमारा जो डेटा हम लोग ये दिखा रहे हैं ये वाला डेटा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी टेबल को एक डिव के अंदर रख दूंगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पूरी टेबल है, ये टेबल एक डिव के अंदर कर रहा है। तो सिंपली क्या करिए, यहाँ पर एक डिव ओपन करिए, देखिए डिव ओपन करिए और उस पर एक आईडी लगा दीजिए, आईडी लगा दीजिए ऐसे ही प्रोफाइल डिटेल, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे इस वाली पूरी डिव को हाइड करना होगा और ये डिव अभी यहाँ बंद मत करेगा, डिव हमें बंद करनी है टेबल के बाद। तो हम इस पूरी टेबल को ही हाइड कर दे देंगे, ठीक है, इस पूरी टेबल को ही हाइड कर देंगे। किसकी हेल्प से, इस डिव की हेल्प से। हम क्या करेंगे, इस डिव को ही हाइड करेंगे, पूरी टेबल हाइड हो जाएगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और हम क्या करेंगे, इसके नीचे जब ये डिटेल वाली चीज़ें खत्म होंगी तो मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा प्रोफाइल एडिट वाला, प्रोफाइल एडिट यहाँ पे इसके नीचे काम करूँगा प्रोफाइल एडिट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे वो फॉर्म बनाऊँगा जो एडिट कर सको आप, ठीक है। तो हम लोग एक डिव सिंपली यहाँ भी बना लेते हैं और इसकी आईडी दे देते हैं, प्रोफाइल ऊपर वाली डिटेल थी तो इसको प्रोफाइल एडिट दे देते हैं, प्रोफाइल एडिट, ठीक है सिंपली। अब हम लोग इसकी हेल्प से टॉगल कर पाएंगे, टॉगल क्या कर पाएंगे सब लोग देखिए, टॉगल हम लोग क्या कर पाएंगे, देखो हम लोग टॉगल मतलब हम इसकी आईडी से इसको सो हाइड कर सकते हैं और डिटेल वाली आईडी को हम डिटेल वाली इस प्रोफाइल डिटेल्स वाली आईडी से हम इस वाली चीज़ को, इस पूरी टेबल को शो और हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, सपोज आपने यहाँ पे रख दिया H2 और मैंने कह दिया एडिट, ठीक है, मैंने कह दिया एडिट। अब होगा क्या, अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करते हो उस केस में आपको दोनों चीज़ें दिखेंगी, देखो आपको ये वाली टेबल भी दिख रही है और एडिट भी दिख रहा है, ठीक है।
हम चाहते हैं एक को मैं एडिट को बाय डिफॉल्ट हाइड कर दूं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टाइल लगा दूंगा जिसमें हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले को नन कर देंगे। ठीक है, तो आपको स्टाइल लगाना है, उसके अंदर कोट्स लगाने हैं, फिर डिस्प्ले कोलन नन लिखना है। इससे होगा क्या, बाय डिफॉल्ट एडिट वाले के अंदर की चीज़ें हाइड रहेंगी। अब हम चाहते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ खटाक से, ये वाली चीज़ें हाइड हो जाएं और एडिट वाला आ जाए। तो आपको कुछ करना नहीं, सिंपली देखो आप सबसे नीचे आ जाओ जहाँ पे स्क्रिप्ट्स लगाई हैं। तो ये पहले स्क्रिप्ट थी हमारी जेक्वेरी की, फिर हमारी पॉपर की थी, फिर बूटस्ट्रैप की थी, और फिर ये हमारी स्टाइल थी। तो आप इस वाले माई जेएस में भी काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे कर लूँगा, फिर इसको कॉपी करके हम लोग अपने माई जेएस में मूव कर देंगे, कोई इशू नहीं है उसका। पहले आप करना सीखिए। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, और इसके अंदर सब लोग देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा और जावास्क्रिप्ट में जेक्वेरी लगाऊंगा। तो आप लिखेंगे डॉलर के बाद आपको लिखना है डॉक्यूमेंट, ब्रैकेट के अंदर लिखना है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद आपको लगाना है डॉट और आपको लगाना है रेडी। इससे होगा क्या, जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा उसके अंदर मैं एक फंक्शन को पास कर दूंगा। तो आप लिखिए सिंपली फंक्शन और यहाँ पे एक फंक्शन पास कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कॉल करना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा, दैट मीन्स पेज की चीज़ें रेडी होंगी, आपका ये चीज़ चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट टेस्टिंग, तो जैसे ही आपका ये पेज रेडी होगा, आपका देखिए मैं रीलोड करूँगा, जैसे पेज रेडी होगा टेस्टिंग आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर जो चीज़ भी लिख देता हूँ वो चीज़ चल जाएगी जैसे ही पेज रेडी होगा। ठीक है, जैसे ही पेज रेडी होगा वो चीज़ चल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, सिंपली हम लोग ये एडिट बटन है, ये वाली एडिट बटन है, इस बटन की भी एक आईडी दे देंगे। तो हम लिखेंगे आईडी और इसका नाम दे देंगे एडिट प्रोफाइल डैश बटन। ठीक है, तो आप नाम बहुत ध्यान से देखोगे क्योंकि इनकी आईडीज के थ्रू ही हम यहाँ से क्या कर पाएंगे, वहाँ पे चेंजेस कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई मैं एक लिसनर लगा दूँ, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली देखो आप यहाँ पे आप लगा सकते हो ऑन क्लिक भी लगा सकते हो, ऑन क्लिक, या आप जेक्वेरी के थ्रू ही लगा सकते हो। सिंपली आप इस आईडी से इस पे लिसनर लगा सकते हो कुछ ऐसे। देखो आपको पकड़ना है उस बटन को, पकड़ना है मतलब टारगेट करना उस बटन को विद द हेल्प ऑफ जेक्वेरी। तो आपको डॉलर लिखना है, अब आईडी के थ्रू पकड़ना है तो आपको स्ट्रिंग के अंदर लगाना हैज और उस प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल बटन की आईडी। तो आप यहां पे एडिट लिखने की कोशिश करिए और कंट्रोल स्पेस क्लिक करिए, तो ये सिंपली बता देगा क्या आप इस एडिट प्रोफाइल बटन को यूज़ करना चाहते हो। तो मैं कहूँगा हाँ भाई मैं इसी को टारगेट करना चाहता हूँ, और आप एंटर कर दीजिए बस। अब आ जाइए इस ब्रैकेट के बाहर और यहाँ लगाइए क्लिक। अब होगा क्या, जैसे ही आप इस वाली बटन को क्लिक करोगे, किस वाली बटन को, जिसकी आईडी है एडिट प्रोफाइल बटन, इसके अंदर जो भी फंक्शन दोगे वो कॉल हो जाएगा। तो हम इसके अंदर एक फंक्शन दे दे रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन, सिंपल। अब जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं लिख दूंगा अलर्ट और इसके अंदर लिख दूंगा बटन क्लिक्ड। ठीक है, बटन क्लिक्ड, और सिंपली देखो आप रिफ्रेश करोगे और जैसे ही आप आओगे यहाँ पे और क्लिक करोगे इसको, परफेक्ट बटन क्लिक। तो एक बार क्लिक कर दोगे काम हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक कर दो के काम हो जाएगा, तीसरी बार क्लिक कर दो काम हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसके अंदर वो काम कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। काम क्या है भाई, इस चीज़ को हाइड करना और एडिट वाले को यहाँ पे शो करना है। तो देखो भाई करना क्या है, आप सिंपली क्या करो, ये काम तो करना नहीं, तो इसको आप कमेंट कर दिए, कोई इशू नहीं है। आप इसके नीचे आ जाइए और क्या करना है, आपको प्रोफाइल डिटेल्स वाली डिव को हाइड करना है। कौन सी डिव को, प्रोफाइल डिटेल वाली, इस वाली डिव को। तो आप इसको टारगेट करिए, प्रोफाइल डिटेल्स को। ठीक है, तो टारगेट करने का सिंपली मतलब है यहाँ पे आप टारगेट करिए कुछ ऐसे, आप लगाइए डॉलर और आप लगाइए हैज़ और यहाँ पे लगाइए स्ट्रिंग के अंदर हैज़ लगाइए और प्रोफाइल लिखिए और कंट्रोल स्पेस दबाइए। ठीक है, तो प्रोफाइल डिटेल्स को टारगेट करना टारगेट हो गया, और सिंपली डॉट लगा के हाइड लिख दीजिए। ये क्या करेगा, इस वाली डिव को हाइड कर देगा। ठीक है, अगर ये हाइड हो जाएगी तो एडिट वाले को शो करना है, दैट मीन्स प्रोफाइल एडिट को शो करना है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही टारगेट करिए, आप क्या करिए डॉलर लगाइए और यहाँ पे फिर से डबल कोट्स के अंदर लिखिए हैज़ और प्रोफाइल एडिट और उसको शो कर दीजिए। तो होगा क्या, सिंपली देखो भाई अगर एक बार आपने क्लिक किया तो ये प्रोफाइल डिटेल्स वाली चुटिव होगी, इसको हाइड कर देगा, और अगर उसको हाइड कर देगा दैट मीन्स सिंपली ये वाली डिटेल हाइड हो जाएगी और एडिट वाले को शो कर देगा, दैट मीन्स एडिट वाले डिव के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो शो हो जाएगा इसके अंदर। देखिएगा सिंपली बहुत ही इजी है और बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ है। देखिए एडिट में क्लिक करूँ कटैक, ठीक है,
तो इसका मतलब हाइड हो गया। और एक चीज़ और हो रही भाई, देखो क्या हो रहा दिक्कत आपको यहाँ पे, देखिए एडिट शो नहीं हो रहा है, तो देखते हैं क्या नहीं हो रहा, शो क्यों नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे एडिट लिख के नहीं आ रहा है, तो सिंपली क्या करते हैं, बस मैंने सेव नहीं किया था, आप एक बार सेव कर दीजिए और फिर से आइए रिफ्रेश करिए और देखिए सिंपली आपका काम हो रहा है। इस पर एडिट क्लिक कर दे रहो, आपकी जो डिटेल है वो हाइड हो जा रही है और सिंपली आप जो एडिट वाले डिव के अंदर लिखोगे वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली कुछ चीज़ें और करूँगा, इसको टॉगल करना है। टॉगल इन द सेंस कि आप क्या करो, एक बार क्लिक करो तो ये हाइड हो ये शो हो, और दूसरी बार क्लिक करो तो ये हाइड हो ये शो हो। तो इसके लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा इन द सेंस, जैसे ही पेज लोड होगा मैं क्या करूँगा, यहाँ एक वेरिएबल ले लूँगा और वो रखूँगा एडिट स्टेटस। ठीक है, एडिट स्टेटस, और इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, सिंपली एडिट स्टेटस बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, या एडिट स्टेटस को, या ऐसे कर दीजिए आप एडिट स्टेटस को फॉल्स कर दीजिए, और आप इसको अभी मत करिए यहाँ पे, आप यहाँ पे एक बार कंडीशन चेक कर लीजिए। जैसे बटन क्लिक होगी और बटन के क्लिक होने पे ही आपका ये वाला फंक्शन चलेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ सिंपली। आपका कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडिट स्टेटस को थोड़ा कैमल केस यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया। आपको क्या करना है, ऐसे कुछ लेना है एडिट स्टेटस। ठीक है, एडिट स्टेटस परफेक्ट है। अब आप यहाँ पे चेक करिए, अगर एडिट स्टेटस की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब आपको एडिट वाली चीज़ें शो करनी है, तो आप यहाँ पे इफ़ लगा दिए, इफ़ अगर एडिट स्टेटस की वैल्यू फॉल्स हो गई तो आपको ये वाला काम करना है जो अभी आपने किया था। कौन सा काम, अभी जो आपने किया था ये वाला काम। ठीक है, एल्स, अच्छा ये काम करने के बाद आपको क्या कर देना है, एडिट स्टेटस को क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, सिंपली ट्रू कर देना है। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, उस केस में आपको इसका जस्ट रिवर्स करना है, इसका जस्ट रिवर्स करना है। तो सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आइए पेस्ट कर दीजिए, और जहाँ हाइड है वहाँ पे शो कर दीजिए। तो इसको मैं शो कर देता हूँ, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब होगा क्या, ये जो है वो हमारा टॉगल का लॉजिक है, जैसे डॉक्यूमेंट लोड होगा एडिट स्टेटस में फॉल्स आ जाएगा पक्का। अब जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट केस में तो उसको फॉल्स मिलेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और वो प्रोफाइल डिटेल वाले को, दैट मीन्स जो शो हो रहा है उसको हाइड कर देगा, एडिट को शो कर देगा और उसकी वैल्यू ट्रू कर देगा। जब आप दोबारा उसको क्लिक करोगे तब क्या होगा, तब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी और वो एडिट प्रोफाइल डिटेल को शो करेगा और इसको हाइड कर देगा और फिर से इसको फॉल्स कर देगा, यही बार बार होता रहेगा। इसको सेव करिए और आइए पेज को रिफ्रेश करिए और देखिए आपका काम हो चुका है। देखिए एडिट क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, परफेक्ट। ठीक है, तो आप एडिट क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे चीज़ें एडिटेबल आ जाएंगी, क्योंकि मैं उस फील्ड में अभी कुछ डेटा रखने वाला हूँ, टेबल रखने वाला हूँ, परफेक्ट। ठीक है, तो आपका काम तो यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस एडिट को, इस एडिट का हम लोग टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, एडिट का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग, अगर आप एडिट वाले ऑप्शन को शो करते हो, उस केस में मैं टारगेट करने जा रहा हूँ दिस। दिस क्या है भाई, दिस आपकी बटन है, तो मैं दिस डॉट इसका टेक्स्ट बदल के रखने जाने वाला हूँ बैक। ठीक है, तो अगर सिंपली आप क्या करोगे, अगर आपका एडिट दिखेगा तो बैक हो जाएगा, और जैसे ही आपका ये चीज़ होगी दैट मीन्स आप वापस आओगे, उस केस में ये फिर से एडिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए रिफ्रेश करिए अपने पेज को सिंपली और आइए यहाँ पे, देखिए जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हाइड होगा, एडिट वाला यहाँ पे आएगा और इसका टेक्स्ट भी बदल जाएगा, देखिए बैक, परफेक्ट। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे एडिट, परफेक्ट। ठीक है, तो एक बार एडिट कर पाओगे, एक बार ये कर पाओगे, एक बार एडिट कर पाओगे, एक बार ये कर पाओगे, तो इससे बढ़िया चीज़ कोई भी बहुत मुश्किल से कर पाएगा। हमने यहाँ पे प्लेन सिंपली जेक्वेरी यूज़ किया है और हमने ये चीज़ बनाया। अब हम लोग को एडिट करने के लिए सिंपली करना क्या है, इस एडिट डिव में हमें फॉर्म बनाना है, जो जो चीज़ें आपको एडिटेबल रखनी है, जो जो चीज़ें आपको एडिटेबल नहीं रखनी है उस चीज़ को आप वहाँ पे मत बनाइए, या बनाइए भी तो आप क्या करिए कि सिंपली आप क्या करिए कि वहाँ पे डिसेबल कर दीजिएगा फील्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा मेहनत और करते हैं, क्योंकि जे क्वेरी की तो सारी मेहनत हो गई, ये सारी मेहनत थी, आप एक बार पढ़िए दो बार पढ़िए, बस जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चीज़ें समझ में आती जाएंगी, तो टेंशन मत लीजिएगा, चीज़ें हमेशा धीरे धीरे ही समझ में आती हैं। अगर आप चाहते हो एक ही दिन में सारा समझ लोगे तो हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, बट शायद 2-3 दिन अगर आप कोडिंग करो तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी।
प्रोग्रामर हमेशा जिसके पास पेशेंस होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रोग्रामर बनने के। तो फिलहाल वो सब बातें छोड़ते हैं और हम आते हैं सिंपली एडिट के अंदर। और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक हेडिंग लगाता हूँ, H2 ही या H3 हेडिंग लगाता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ प्लीज़ एडिट केयरफुली। ठीक है, प्लीज़ एडिट केयरफुली। और सिंपली इसमें हल्का सा मैं क्या करूँगा, क्लास लगा दूंगा मार्जिन, MT मार्जिन टॉप 2। ठीक है, तो हल्का सा ये क्या करेगा, आपका ऊपर आएगा टेक्स्ट। देखिए एडिट क्लिक करूँगा, ये प्लीज़ एडिट केयरफुली, परफेक्ट। अब आ जाइए नीचे H इसके नीचे और यहाँ पे लगाइए टैग फॉर्म। ठीक है, कौन सा टैग, फॉर्म। तो आप सिंपली लिखिए फॉर्म, और अभी मैं बताऊंगा आपको किस सर्वलेट भेजना है। तो आप यहाँ पे एक एक्शन दे सकते हो, एक्शन, और सपोज आपका सर्वलेट है एडिट सर्वलेट, तो आप यहाँ पे एडिट सर्वलेट पे भेज सकते हो। या अगर आप JSP से काम कर रहे हो तो आप JSP पेज का भी URL दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी URL दीजिए। अगर आप डेटा सिक्योरिटी के साथ और फोटो वगैरह भेजना चाहते हो तो यहाँ पर पोस्ट लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं और इसके अंदर बनाते हैं अपनी टेबल। तो टेबल बनाने के लिए सिंपली आप यूज़ करोगे टेबल टैग, टेबल टैग। और टेबल के अंदर क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप की टेबल चाहिए तो सिंपली क्लास लिखोगे और यहाँ लिख दोगे टेबल। ठीक है, तो ये बन जाएगी बूटस्ट्रैप की टेबल। अब टेबल के अंदर बनाते हैं हम लोग रोज़, तो रोज़ बनाते हैं हम लोग TR की हेल्प से। तो आप सिंपली लिखोगे TR, और TR के अंदर बनाते हैं कॉलम्स, तो हम सिंपली लिखेंगे TDs। और हमें दो कॉलम्स बनाने, तो हम दो TDs लगाएंगे, तो सिंपली एक रो दो कॉलम हो जाएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ID प्रिंट करूँगा, तो ID, और ID सिंपली देखिए आप ऊपर से कॉपी कर लीजिए, ये है ID का कोड, तो आप इस कोड को कॉपी करिए, तो ये सिंपली ID। और मैंने इसको इसीलिए ऐसे ही कॉपी कर दिया क्योंकि आप ID को एडिट नहीं कर सकते, तो सिंपली ये ID ऐसी एज इट इज़ दिखेगी। फिर दूसरा कॉलम बनाने के लिए सिंपली आप इसका डुप्लीकेट बना लीजिए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, देखिए इसका डुप्लीकेट बन गया, और यहाँ पे ईमेल है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट में ईमेल ID जो हो एडिटेबल हो। उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं लिख दूंगा, यहाँ पे बनाऊँगा एक इनपुट, और इनपुट टाइप में रख दूंगा ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक नाम दे दूंगा यूज़र डैश यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, और मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पे इसको बंद कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू में मैं क्या करूँगा, वैल्यू में सिंपली मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं क्या करूँगा वो चीज़ पेस्ट कर दूँगा, या फिर आप सिंपली कोड लिख भी सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग लिख दो, और एक्सप्रेशन टैग के अंदर आप टाइप करो यूज़र डॉट गेट। अब गेट जैसे टाइप करोगे, कंट्रोल स्पेस जैसे दबाओगे, यहाँ पे नेम ID ईमेल है, तो आप ईमेल को लिख दीजिए। होगा क्या, एक ईमेल ID एक फील्ड बन जाएगी, और उस फील्ड में जो वैल्यू होगी वो यूज़र की ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। आप उसको सिर्फ लिख एडिट कर सकते हो, और इसको कंट्रोल इसको बूटस्ट्रैप का फील्ड बनाने के लिए सिंपली आप क्या करिए, लगाइए क्लास, और क्लास में लगाइए फॉर्म डैश कंट्रोल। ठीक है, फॉर्म डैश कंट्रोल, और आप सेव करिए और रिफ्रेश करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई काम मेरा अच्छे से हो रहा है। आप एडिट करिए, देखिए परफेक्ट परफेक्ट, इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई। ये चीज़ें जब मैं करता था तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। आप यहाँ पे करिए, और जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे देखना, प्लीज़ एडिट केयरफुली, ID आ रही है, तो ID तो एडिट नहीं कर सकते हो, बट ईमेल देखो आप यहाँ पे आके दूसरी ईमेल भी दे सकते हो। ठीक है, इससे बढ़िया क्या होगा। फिर अभी हम लोग यहाँ पे एक सेव की बटन बना देंगे, तो उससे सेव भी कर पाओगे, जैसे सेव करोगे तो डेटाबेस में हम लोग चेंज करा देंगे। परफेक्ट, तो मुझे जो जो चीज़ें यहाँ पे एडिट करनी वो चीज़ें मैं क्या करूँगा यहाँ पे बना देता हूँ। तो एक हो गई हमारी भाई, हम हमारी एक ईमेल ID जिसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, और फिर हम लोग डेटाबेस में चलेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग एडिटेबल बना सकते हैं। तो मैं अपना डेटाबेस ओपन करूँगा, और डेटाबेस ओपन करने के बाद मैं देख लूँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें एडिटेबल बनानी है। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस ओपन है, सिंपली हम चलेंगे अपने टेक ब्लॉक को ओपन करेंगे, टेबल्स में चलेंगे, यूजर्स पर राइट क्लिक करेंगे और टेबल को ओपन कर लेंगे। ओपन से मैं टेबल इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझे चीज़ें दिख जाएँ। तो देखिए नाम, नाम को भी हम लोग एडिटेबल बना देते हैं, कोई इशू नहीं, नाम को भी एडिटेबल बना देते हैं, क्योंकि क्या पता यूज़र नाम भी एडिट करना चाहे। तो सिंपली ईमेल ID के नीचे एक रो और बढ़ा दीजिए। तो आप सिंपली क्या करिए, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ जिससे भाई आप लोग को विजिबल हो जाए। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ देखिए, और इस पर डबल क्लिक करके इसको बड़ा भी कर सकते हो। तो आप सिंपली TR ईमेल वाली पे ईमेल वाली पूरी TR सेलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा दीजिए, कॉपी बन जाएगी। और मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, और नेम में सिंपली देखिए टाइप को टेक्स्ट कर दीजिए, टाइप को टेक्स्ट कर दीजिए, और सिंपली यूज़र ईमेल की जगह आप क्या कर दीजिए, यूज़र नेम कर दीजिए, और परफेक्ट। और देखिए गेट ईमेल की जगह हटा के आप क्या कर दीजिए,
सिंपली इसको आप क्या करिए, सही से लगाइए। तो आप क्या करिए, इसको पहले बंद कर दीजिए और यहाँ पे यूज़र डॉट गेट कंट्रोल स्पेस नेम, तो नेम भी एडिटेबल हो जाएगा। क्या पता भाई यूज़र नेम भी एडिट करना चाहता हो, कोई इशू नहीं, आपकी मर्जी। तो आप इस चीज़ को हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, नाम को मत एडिट करें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, नाम हो गया, नाम ईमेल एडिट हो जाएगा, पासवर्ड तो इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड एडिट करवाना है, तो फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड में देखिए जो टाइप रखिए वो पासवर्ड ही रखिए, पासवर्ड रखिए सिंपली, और यूज़र यहाँ पर आप कर दीजिए पासवर्ड, और यहाँ पर आपका देखिए गेट नेम है, उसकी जगह आप क्या करिए इसको हटाइए और सिंपली यहाँ पे क्या करिए गेट पासवर्ड, ठीक है सिंपली। अब रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लीजिए कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप यहाँ पे आइए और एडिट पे क्लिक करिए, देखिए परफेक्ट, ईमेल एडिट हो जाएगी, नाम एडिट हो जाएगा, पासवर्ड एडिट हो जाएगा, और भी जो चीज़ें बनानी है एडिट। मुझे नहीं लगता आपको जेंडर एडिट करना चाहिए, क्योंकि एक बार जेंडर डालेगा तो सही डालेगा। आप दिखा सकते हो तो दिखाने के लिए सिंपली आ जाओ यहाँ पर और सिंपली इस टी आर को डुप्लीकेट बना लो और जेंडर यहाँ लिख दो, जेंडर जेंडर, और इस इनपुट टाइप को पूरा हटा ही दो भाई, क्योंकि आपको एडिटेबल नहीं बनाना है, तो इनपुट टाइप को हटा दो और यहाँ पे सिर्फ आप एक्सप्रेशन टैग लगाओ, लिखो यूज़र डॉट गेट, गेट के बाद जेंडर और एक्सप्रेशन टैग को सिंपली बंद कर दो, तो आपका जेंडर आ जाएगा बट जेंडर एडिटेबल नहीं होगा। ये देखिए मेल एडिट नहीं कर सकते, और इसको अगर कैपिटल लेटर में प्रिंट करना है तो सिंपली आप लगाओ डॉट टू अपर केस, टू अपर केस, सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका पूरा अपर केस में आ जाएगा, देखिए मेल परफेक्ट। नेक्स्ट इज, अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट फील्ड कौन सी है। तो अबाउट पर, अबाउट क्या कर सके भाई, अबाउट तो एडिट कर ही सके, तो अबाउट एडिट कर सके, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे इसको फिर से डुप्लीकेट बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट मीन्स स्टेटस या अबाउट, ठीक है। और हम लोग इस चीज़ को हटा देंगे और यहाँ पे इस बार हम लोग इस टीडी में हम लोग इनपुट टाइप नहीं लगाएंगे, क्योंकि अबाउट अपने बारे में कुछ भी थोड़ा बड़ा भी ले सकता है। तो मैं लगाने वाला हूँ टेक्स्ट एरिया, क्या लगाने वाला हूँ टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के अंदर सिंपली मैं प्रिंट करने वाला हूँ इसका स्टेटस जो पहले होगा, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन टैग लगाइए और लिखिए यूज़र डॉट गेट 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 गेट, नीचे आ जाइए, देखिए अबाउट है क्या भाई, यूज़र डॉट गेट अबाउट प्रिंट हो जाएगा, जिसको ये एडिट भी कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स देने हैं, आप सिंपली क्लास में लिखिए फॉर्म कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है, बूटस्ट्रैप की क्लास है। उसके बाद आप इसका नेम दे दीजिए अबाउट या यूज़र अबाउट, जिससे कि आप डेटा सबनेट में फेच भी कर पाओ। और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब नेम हो गया, अबाउट हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या अबाउट आया है, एडिट करते हैं, परफेक्ट। देखिए अबाउट में हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसकी रो भी मैं बढ़ाऊँगा, इतना करूँगा, ठीक है इतना करूँगा। तो आते हैं भाई थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि वहाँ स्पेस भी आ रही है, तो इसको आप ऊपर ले आइए, परफेक्ट। और आप क्या करिए, इसकी हल्का सा रो बढ़ाइए, तो आप लिखिए रो और रोज़ में दे दीजिए 5। अब आप एक बार रिफ्रेश करिए, ज़रा देखते हैं, परफेक्ट, अब सही है। यहाँ पे वो क्या कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, आपकी मर्जी भाई, जो बंदा चाहेगा एडिट कर लेगा। एंड लास्ट रोज़ आप थोड़ा कम भी कर दीजिए भाई, बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, तो अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिए जैसा भी आपको बनाना है, ठीक है, एडिट करेंगे, परफेक्ट, अब ठीक लग रहा है। अब मैं यहाँ पे एक बनाने वाला हूँ सेव की बटन, तो सेव की बटन बहुत आसान है, आप टेबल के बाहर आइए लेकिन फॉर्म के अंदर ही रहिएगा, ठीक है, टेबल के बाहर लेकिन फॉर्म के अंदर, और यहाँ लगाइए एक डिफ क्लास जिसकी होगी कंटेनर, ठीक है, क्लास कंटेनर, मेरा फेवरेट एलिमेंट बूटस्ट्रैप का कंटेनर। और इस पर लगा दीजिए बटन, इसके अंदर लगा दीजिए बटन टैग और बटन बना दीजिए टाइप सबमिट टाइप की, जिससे फॉर्म को सबमिट कर पाए। और क्लास लगा दीजिए भाई btn, btn या btn पहले btn डैश आउटलाइन, और आउटलाइन सक्सेस लगा दीजिए, या आपकी मर्जी भाई सक्सेस लगाना चाहो या प्राइमरी लगा दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ प्राइमरी लगा देता हूँ, प्राइमरी लगा देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सेव, ठीक है सेव, और सेव कर देते हैं। और एक बार क्या करते हैं, फिर से हम लोग रीलोड करते हैं, तो जैसे एडिट करेगा
परफेक्ट, ठीक है, इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकता। आप क्या करिए, देखिए, आप इस अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखेंगे आपकी सारी डिटेल क्या हो जाएंगी, एडिटेबल हो जाएंगी। यहाँ से आप कुछ भी एडिट कर सको, आईडी नहीं एडिट कर सकते क्योंकि हम लोगों ने अलाउ नहीं किया है, ईमेल यहाँ पे एडिट कर सकते हो, यहाँ पे दूसरा डाल सकते हो, पासवर्ड दूसरा डाल सकते हो, मेल फीमेल नहीं एडिट कर सकते हो, अपने बारे में एडिट कर सकते हो। और इसको सिंपली सेव जैसे ही करोगे, रिक्वेस्ट मारनी है फॉर्म के साथ सर्वर पे, वहाँ पे डेटा अपडेट करना है और फिर से वापस मुझे यहाँ पे भेज देना है। इतना काम हम लोग को और करना है। बट होल्ड ऑन, एक चीज़ तो हम लोग इम्पोर्टेंट भूल ही गए भाई, हम लोग को इस प्रोफाइल को भी तो अपडेट कराना है, हम लोग को एक नई प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पिक भी सेलेक्ट करानी है। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा दे रहा हूँ, सिंपली देखिए एक कॉलम इसमें और बढ़ा दीजिए। कौन सा कॉलम बढ़ा दीजिए भाई, एक TR और बढ़ाइए, सॉरी एक रो और बढ़ा दीजिए। तो इस TR को कॉपी के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबा दीजिए, ठीक है, और अबाउट की जगह लिख दीजिए सेलेक्ट न्यू पिक, ठीक है, न्यू, या लिख देते हैं न्यू प्रोफाइल पिक, न्यू प्रोफाइल, प्रोफाइल पिक, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको इस दूसरे कॉलम में आपको यहाँ टेक्स्ट एरिया नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे एक इनपुट लगाना है जिसका टाइप होगा फाइल, ठीक है, और इसका नेम होगा सिंपली इमेज या प्रोफाइल पिक दे दीजिए आपकी मर्जी, और सिंपली आप इसको बंद कर दीजिए। और अगर आपकी मर्जी तो क्लास आप यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लगा सकते हो, फॉर्म कंट्रोल, जिससे ये एक्सपेंड हो जाएगा अपने पेरेंट की बिर्थ पे। तो सिंपली सेव करिए और यहाँ पे क्लिक करिए, एडिट पे क्लिक करिए, परफेक्ट। देखिए अब यहाँ पे आप न्यू प्रोफाइल पिक भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे क्लिक करोगे प्रोफाइल फोटो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट हो जाएगी, सेव कर दोगे तो ये डेटा के साथ साथ ये प्रोफाइल फोटो भी क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये न्यू प्रोफाइल पिक मुझे यहाँ ज़्यादा सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये नीचे आ गया, मैं कुछ दो ही वर्ड में लिखूंगा, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए, न्यू प्रोफाइल पिक अलग हो गई, तो न्यू प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिए, बस आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए एक ही लाइन में है तो मुझे परफेक्ट लग रहा था, ठीक है। तो अभी भी मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा क्योंकि ये थोड़ा सा इधर स्पेस आ गया है, सिंपली आप रिफ्रेश करिए और यहाँ पे एडिट करिए, परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे फोटो वोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर पे सारा डेटा अपडेट करेंगे और हम लोग वापस आ जाएंगे और फिर यहाँ पे मैसेज वगैरह दिखाएंगे प्रोफाइल अपडेटेड। जब दोबारा ये बंदा देखेगा तो प्रोफाइल उसको अपडेटेड दिखेगी। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट एडिट फॉर्म बनाया है जो जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी की हेल्प से हमारा यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका बैकएंड का काम करेंगे, हम लोग जैसे सेव करेंगे बनाएंगे एक एडिट सर्वलेट और एडिट सर्वलेट पे हम ये सारी डिटेल अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे, हम लोग ईमेल अपडेट करेंगे, नेम अपडेट करेंगे, पासवर्ड अपडेट करेंगे, अबाउट अपडेट करेंगे और प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करेंगे। जो अपडेटेड पिक होगी जब दोबारा रिक्वेस्ट आएगी या लॉगआउट लॉगिन करेगा तो उसको नई वाली डिटेल हम लोग दिखा देंगे। बट तब तक आप ट्रस्ट मानिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप ये बना ले जाओगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्रूव करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़, फिर हो चाहे पाइथन की हो, जावा की हो या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हो, प्रोजेक्ट की हो, आपको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।